ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जादूगर मलतू राजीव आज एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। ये तीन रिबन है दोस्तों, इसके रंग आपको जाना पहचाना सा लगता है ना, क्योंकि ये तीन रंग वो है जो हमारा नेशनल फ्लैग का रंग है। इसमें तीन रंग है, गेरुआ रंग रिप्रेजेंट करता है हिंदू धर्म को और सफेद ईसाई धर्म को और हरा इस्लाम धर्म को। अब मैं एक झोला लेकर के आया हूं, ये तीनों रिबन को इस ज्वाला के अंदर डाल देता हूं। मैं इस जादू के रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। ये फ्लैग आप खुद बना सकता है, तो इसका बनावट कैसा है वो मैं पहले बता देता हूं आपको। सबसे पहले एक इंडियन फ्लैग जो है आपको बनाना है, इस तरह ऐसे बना देना है। इसका दूसरी तरफ यदि आप चाहे तो यहां पर भी एक फ्लैग ही बनाकर सिलाई कर सकते हो, नहीं तो मैं जो बनाया हूं वो एक काला कपड़ा ही लगाया हूं, एक साइड में ही फ्लैग लगाया। आप इस साइड में भी फ्लैग बना सकते हो। तो एक तरफ से ऐसा फ्लैग बना दिया, एक और कपड़ा यदि फ्लैग है तो भी चलेगा वो दूसरी तरफ लगा दिया, और इसको तीन भागों में बांट करके ऐसे वन थर्ड में दोनों तरफ से सिलाई कर देना है, यानी ये साइड पूरा सिलाई कर देना दोनों कपड़े को, यहां से लेकर यहां तक वन थर्ड सिलाई कर देना, यहां से लेकर यहां तक वन थर्ड सिलाई कर देना, ये साइड सिलाई कर देना, उसी तरह से उस तरफ भी वन थर्ड करके सिलाई कर देना। बीच वाला जो जगह है उसको खाली छोड़ देना, जैसे कि ये है। ये फुल यहां से लेकर वहां तक खुला है अभी,
अब क्या करना है, वो जो खाली जगह पर है कोई और रंग का कपड़ा लगा करके सिलाई कर देना है। ऐसे मैं लगाया हूं ब्लू कलर का कपड़ा, ये ब्लू कलर का कपड़ा अंदर डाल करके दोनों तरफ से, और इसको यहां से सिलाई कर देना है। जो 1/3 आपने नाप कर रखा है वहां से ऐसे दोनों तरफ से सिलाई हो गया। बीच वाला जो जगह है ये एक झोले की तरह खाली हो गया। और अभी इसको क्या करना है, बीचों बीच में से एक सिलाई ऐसा मार देना है। तो क्या होगा, यहां से एक झोला जैसा उस तरफ बन जाएगा और यहां से एक झोला जैसा इधर बन जाएगा। तो ये पूरा फ्लैग हो गया और बीच में दूसरा किसी कलर का कपड़ा लगा करके यहां पर एक झोला हो गया, यहां पर एक झोला हो गया, दो पॉकेट बन गया यहां पर, एक उस तरफ से इस तरफ से। ये दोनों जगह पर एक कपड़े का रिंग सिलाई कर देना है ताकि इसको पकड़ करके खींचने में आसान रहेगा। अब प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, इसको 1/3 में ऐसा फोल्ड कर देना है, यहां से लेकर के बाकी जो 1/3 है ऐसे फोल्ड कर देना है और बीच में 1/3 खाली है। अब क्या करना है आपको, ये जो झोला है जो दो पॉकेट बनाया है उसमें से एक पॉकेट के अंदर हाथ डालना और इसको सीधा उल्टा कर देना है, इसे पलट देना है। इसको ऐसा पलटने के बाद इसको सेट कर दीजिए अंदर, जो बाहर निकला हुआ है उसको सब थोड़ा सा सेट कर दीजिए। अभी इसको ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है। फोल्ड करने से पहले इस तरह जो दूसरा जो पॉकेट है उसको आपको ढूंढना है, यहां पर ये दूसरा वाला पॉकेट है, इस पॉकेट में से लेकर के इसको ऐसा फोल्ड कर दीजिए। ऐसे एक बार फोल्ड कर दिया, अब एक बार और फोल्ड कर दीजिए। दो फोल्ड हो गया। अब इसको ऐसा लेंगे तो बिल्कुल एक ब्लू कलर का झोला जैसा लगेगा। बाकी जितना भी हमारा पीछे जो कपड़ा था काला वो भी छुप गया और जो फ्लैग था वो भी छुप गया। अब खाली ये झोला अंदर से बाहर से ब्लू कलर का हो गया। इसके अंदर आप तीन रंग का, यानी हमारा फ्लैग का जो तीन रंग है वो रंग का एक रिबन लेकर के इसके अंदर डाल दीजिए। अब इस झोले को इस तरह से पकड़ लीजिए और ये जो रिंग है इसको हाथ में ले लीजिए और इसको बाहर की तरफ आउटर की तरफ ऐसे खींच लीजिए। ये जो फ्लैग खुल करके आपका हाथ में आ जाएगा।